अभी हम रुख करेंगे परियों की वादी स्वात की तरफ, जहां जिसको बर्फ पोश वादी मालम जब्बा, जहां पर स्नो फेस्टिवल की रंगीनियां इस वक्त अरूज पर हैं। फेस्टिवल में बहुत से मुकाबले भी हो रहे हैं, फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद भी मालम जब्बा में मौजूद है। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे उबैद फजल, एक गैर मुल्की खातून सयाह के साथ मौजूद है। उबैद, क्या अपडेट करेंगे, क्या देख रहे हैं आप वहां पर, और खासतौर पर इस फेस्टिवल के हवाले से? जी बिल्कुल, मालम जब्बा में स्की फेस्टिवल जो है वो जारी है और यहाँ पे मुल्की सयाहों के साथ साथ गैर मुल्की सयाह जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यूएस से एक खातून सयाह जो है वो यहाँ आई है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताएं, आप यहाँ पे आके आपको कैसा लगा और मालम जब्बा की खूबसूरत नज़ारे और यहाँ पे स्की फेस्टिवल, तो क्या कहेंगे? मालम जब्बा एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है, ये बहुत अरसे से टूरिस्ट लोकेशन हुआ करती थी। मेरे रिसर्च के हिसाब से मैंने देखा था दैट इट यूज्ड टू बी अ वेरी थ्राइविंग टूरिस्ट लोकेशन। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड दैट टुडे वी हैव सच एन फेस्टिवल हैपनिंग, क्योंकि जिंदगी का एहसास वापस आ रहा है इस इलाके में एंड किड्स, लोकल किड्स आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने और बहुत ही खुशी की बात है हम सबके लिए। थैंक यू जी, शुक्रिया। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, ये यहाँ पे आई है और यहाँ पे जो मालम जब्बा स्की फेस्टिवल का जो आगाज हो गया है और यहाँ पे तकरीबात का सिलसिला जारी है, तो यहाँ पे खूब लुत्फ। वैद, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खूबसूरत मनाजिर हमने देखे हैं और हम एक दूसरे की तरफ देखकर ये विश कर रहे थे कि काश हम भी यहाँ जाएं, इसको विजिट करें। एक ब्रेक लेते हैं,